अपने मम्मा से क्या पूछते थे आप? कहते थे कि स्वेटर नहीं है। स्वेटर नहीं है? माँ क्या बोलती थी? माँ कह रही थी कि पैसे नहीं है तो 10-15 दिन में ठंड चली जाएगी। पापा नहीं है? मम्मा क्या करते हैं? मम्मा मम्मा काम करती है। क्या काम? पांडे बोचा लोगों के घरों में। आपने शूज क्यों नहीं पहने आज? फटे हुए हैं। फटे हुए हैं? रोना रोना ऐसे क्यों लग रहा है? मैं आपका भाई हूँ आपका। ठंड लगती है? ठंड लगती है? अब नहीं लगेगी, अब ठंड नहीं लगेगी। मैं देख रही हूँ इनके पास वाकई में शूज़ नहीं है, स्वेटर्स नहीं है, और वाकई में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है इन बच्चों की। ये भगवान ने गाड़ी दी है, तेल डाल के चलाने लायक इस लायक बनाया है कि हम ये काम कर सके। अगर हमें ऐसा काम करना पड़े तो हम 24 घंटे साथ हैं। अभी भी कुछ पेमेंट हमारे पास पेंडिंग है, कुछ 2-3 हज़ार रुपया। वो कोशिश करेंगे कि और जो बच्चे यहाँ बच गए हैं, जो आज एबसेंट हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश। हमारा आगे का भविष्य यही है, कल इन्हीं में से कोई बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा। शूज मिल गए, हर चीज इनको मिल गई, वर्दी मिल गई, फिर सर्दी इनकी खत्म हो गई नहीं, उससे ज्यादा तो हमारी सर्दी खत्म हो गई। इज आवर प्राइम ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी टू हेल्प दीज पुअर पीपल्स। आज तो देख के तो मुझे लग रहा है कि ऐसे 2 दिन भी हमें करने पर बर्बाद तो कोई चक्कर नहीं है। इन गरीब बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, यही हमारे लिए मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारा है। आपको याद होगा वो दीक्षा ने जो हमसे कहा था, दीक्षा की वो फोन कॉल्स, उस शख्स का फोन कॉल्स ने मजबूर कर दिया आप सभी लोगों को। आज हम जा रहे हैं अखनूर से आगे नाईवाला, मैं कभी गया नहीं वहां पे, लेकिन ये सब गाड़ियां जो आप देख रहे हो ये फुली पैक्ड हैं, 100 स्वेटर, इतने ही पेयर शूज, इतने ही पेयर सॉक्स, इतना ही कैप्स और इतने ही हैंड ग्लोव्स। इतना नहीं मांगा था हमने आपसे, लेकिन आप सब लोगों ने ये मुमकिन कर दिया सिर्फ उस एक फ़ोन कॉल की वजह से। जब हमने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा कि 80 से 90 बच्चे ऐसे हैं जिनको साहब ये सब चाहिए, और कुछ बच्चों के पास है लेकिन वो सिर्फ सर्दी को धोखा देने के लिए है। फटे पुराने हैं, पता नहीं कब से पहन रहे हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, इस साल भी आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। ये सफ़र आज शुरू हुआ है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये चेहरे आप देख लीजिए जिन्होंने ये ज़रूरी समझा कि अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय उन बच्चों के लिए निकाला जाए। अब मैं कह सकता हूँ कि भगवान के लिए निकाला जाए। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। कितना कितना सामान है आपके पास? मेरे पास कैप ही है अभी फिलहाल। कैप है? हाँ। कैसे हैं बेटा आप? मम्मा कहाँ है? श्रीनगर में है। यहाँ पर ज्योति कांचरू जो अभी श्रीनगर में है, उन्होंने हमारे लिए कुछ कैप्स के अरेंजमेंट किए हैं, 50 से 60 ये पीस हैं कैप्स के। उन्होंने कहा कि उन बच्चों तक पहुंचा देना। उनके हस्बैंड हैं ये, इस वक्त पहली बार ये कैमरा शाही है बड़ा, लेकिन इनको आज तो बात करनी पड़ेगी, ज्योति जी यहाँ पे है नहीं है। क्या कहा ज्योति जी ने आपसे? उन्होंने बोला था कि कैप डोनेट करना है, ये गरीब बच्चे हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था। कहाँ से परचेज किया? जम्मू से? ये जम्मू से इलाके में किया। अगर और चाहिए मैं और दे दूँगा। पहचानो इन लोगों को जो किसी किसी के लिए भी कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। अब आगे चलते हैं, उन बच्चों से आपको मिलाता हूं जो बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। देव साहब हैं, इस शख्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कल सारा दिन सुबह से लेकर रात 11 बजे तक शायद ये लगातार आरसपुरा, नगरोटा, मीरा साहब और पता नहीं कहां कहां वॉलंटियर के रूप में सामने आए और लगातार सारा दिन इन्होंने ये काम किया। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि इंसानियत अभी भी, एहसास अभी भी जिंदा है। आज हम वहां जाएंगे, उन बच्चों से मिलेंगे, शायद हमारी ये कोशिश कुछ राहत उन लोगों को दे पाए। हमने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, सिर्फ आटे में नमक डाला है। ये बहुत तादाद ऐसी होगी बच्चों की जो पहाड़ों पर रहते हैं,
जम्मू कश्मीर के पता नहीं किस किस कोने में रहते हैं जो ठंड से ठिठुरते हैं, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन दीक्षा की आवाज़ हम तक पहुंची, किसी के थ्रू पहुंची, और हमने देर नहीं की, आपने देर नहीं की। ये एक स्पॉट पर हम पहुंचे हैं, अखनूर से नाईवाला एक स्कूल है, यहाँ 40 से लेकर 50 तक ये स्ट्रेंथ है, और सब बच्चों को आप लोगों ने इतना मजबूत किया कि सब बच्चों को कैप्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, हैंड ग्लोव्स, ये सब आपने हम तक पहुंचाए और हमने आप तक पहुंचा दिए। इसके बाद एक स्पॉट और है, वहाँ भी इतनी स्ट्रेंथ होगी, इसलिए मैंने पहले कहा कि हम सिर्फ आटे में नमक डाल रहे हैं, शायद उसका 0.1% भी हम कवर नहीं कर पा रहे। हमारे और हाथ होते, हमारे पास और ताकत होती तो हम जम्मू कश्मीर के हर कोने तक पहुँचते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और ये सोचकर अपने घर में दुबक कर बैठ जाना कि हम तो सब तक नहीं पहुंच सकते, शुरुआत तो करें। ये वही बच्ची है दीक्षा, जिसके पास आज स्वेटर भी है, शूज भी हैं, कैप भी है, ग्लोव्स भी हैं, ये सिर्फ आपकी देन है साहब। आप लोगों ने हमें इतना मजबूत कर दिया कि हम दीक्षा के पास पहुँच पाए। बेटा बात की थी मैंने आपसे, किसी ने बताया था कि आपके पास अपने मम्मा से क्या पूछते थे आप? कहते थे कि स्वेटर नहीं है। स्वेटर नहीं है, फिर माँ क्या बोलती थी? मम्मा कह रही थी कि पैसे नहीं है तो 10-15 दिन में ठंड चली जाएगी। ठंड लगती थी आपको? हाँ। आप रोनो रो माता, अब आपको ठंड नहीं लगेगी, अब आपके पास शूज है ना, स्वेटर भी है, कैप भी है। हाँ। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना क्यों है, ठंड तो चली जाएगी 15-20 दिन में, ये थोड़ी वापस आएगी, आपकी चली जाएगी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब माँ को बोलना आप ठंड से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं डरना ठंड से है? आपकी बहनें भी हैं साथ में? हाँ। कौन सी बहनें हैं आपकी? सोनाली और पलक। सोनाली, आपका नाम सोनाली है? सोनाली आज तो आपने बड़ी अच्छी कैप पहनी है, आज ठंड तो नहीं लग रही? ना। आज नहीं लग रही ठंड? घर में कौन कौन है, मम्मी पापा हैं? मम्मी पापा। आपका नाम क्या है? पलक। पलक, आप बिस्किट खा रहे हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। फर्स्ट में। दीक्षा की इसी आवाज़ ने, दीक्षा की इसी चीज़ों ने हमें यहाँ तक लाने के लिए मजबूर कर दिया। इन सभी लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि हम लोग भी आपके साथ जाएंगे, उन बच्चों से मुलाकात करेंगे, उसके एहसास को जियेंगे आज, और ये संभव हो पाया। रोहिणी गुप्ता जो डोगरा हाल में रहती हैं, आज सुबह उन्होंने हमें कुछ वार्मर, कुछ स्वेटर, कुछ हैंड ग्लोव्स, कुछ कैप्स, मैं भूल गया, लेकिन एक ये चीज़ें उन्होंने इनके लिए भेजी हैं। शुक्रिया रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का जिन्होंने इस प्रयास को हमारे सफल किया। अब दूसरे स्पॉट पर चलते हैं, और वहाँ चलकर ऐसे ही 40 से 50 बच्चे जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाकर कुछ गर्माहट, कुछ सर्दी से बचने के लिए कोई तरीका उनको बता दें। कोशिश तो करें, बड़ा आनंद आता है इसमें। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। कोमल जी, ठंड लगती है? हाँ। आपने शूज क्यों नहीं पहने आज? फटे हुए हैं। फटे हुए हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका बेटा? अंश। अंश, अंश कौन सी क्लास में पढ़ता है? दूसरी। दूसरी में। तो क्या करते हैं घर में, कौन कौन है? मम्मी पापा, पापा नहीं है। पापा नहीं है, मम्मा क्या करते हैं? मम्मा, मम्मा काम करती है। क्या काम? पांडे बोचा। लोगों के घरों में, इस बच्चे के पास शूज नहीं है, माँ लोगों के घरों में बर्तन काम करती है, काम करती है गुजर के लिए। ऐसे ही लोगों के पास हमें पहुंचना है, ऐसे ही अंश, ऐसे ही दीक्षा के पास हमें पहुंचना है। आपने जो सौगात दी थी, हमने इन बच्चों तक पहुंचा दी। ये दूसरा स्पॉट था जो हमने कवर किया, 90 से 100 का आंकड़ा था। ये जो पहला स्पॉट था, वहां 45 से 50 बच्चे थे, और इतना ही आंकड़ा यहाँ पे है। खुशी हुई हमें आज यहाँ आकर इन बच्चों से मिलकर, इनकी ज़रूरत को पूरा कर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने हमें यहाँ तक भेजा है। मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ से उन बच्चों के किस नंबर के शूज़ आते हैं,
क्या स्वेटर उनको आती है, क्या साइजेस हैं, ये ज़रूर दिक्कत होती है लेकिन किसी तरह मैनेज कर पाते हैं। क्या नाम बताया था आपने? अंश। अच्छा, आपके पास शूज़ नहीं थे, कैप भी नहीं थी, ठंड लगती थी? अब ये वार्मर पहनोगे ठंड नहीं लगेगी, ठीक है? ऊपर स्वेटर पहन लेना, वार्मर पहन लेना, ये ग्लोव पहन लेना, शूज़ पहन लिए, स्वेटर पहन ली, हाँ अब नहीं लगेगी, ठीक है? ये देव साहब हैं, देव साहब कल सारा दिन इन्होंने यही काम किया है। देव साहब कल सारा दिन आप इसी काम में लगे रहे, कलेक्शन में कहाँ से क्या उठाना है, सारा दिन वेस्ट हो गया? सर ये बात नहीं है, हम 365 दिन काम करते हैं। कल मुझे लगा कि मैंने कुछ किया है, कल मैंने पूरा दिन ये काम करके मुझे रात को सुकून की नींद आई कि मुझे लगा कि आज मैंने काम किया है। मुझे भगवान ने गाड़ी दी है, तेल डाल के चलाने लायक इस लायक बनाया है कि हम ये काम कर सके। अगर हमें ऐसा काम करना पड़े तो हम 24 घंटे साथ हैं। भैया परसों जब स्टोरी देखी ना कि बच्चों को ये करना है, कल मैंने बोला आप अकेले तो मैनेज कर नहीं पाओगे, फिर मैंने आपको कॉल किया, आपसे कॉन्टैक्ट किया, आरएसपुरा नगरोटा जितना भी जहाँ जहाँ आपने हमारी सेवा लगाई हम चलेंगे। अगर हम 365 दिन काम करते हैं, एक दिन अगर ये काम करते हो भैया इधर ही रह जाना, कल मर जाना है, पर कुछ करके गया, कल मुझे सुकून की नींद आई, अच्छा लगा ये काम करके, दिल से अच्छा लगा। शुक्रिया देव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा बनो ग्रुप से बिट्टी साहब हैं, क्योंकि इन्होंने भी कॉल किया था इनके चेयरमैन राकेश जी ने, वो कहते थे कि क्या नंबर है आपके पास, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। हमने मना किया, हमने कहा कि ये मुझे पता है आप ये ताकत रखते हो, लेकिन कुछ लोग सामने आए हैं और वही ये मैनेज कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। बेटी साहब आज सुबह से निकले हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, क्या टीम सारा बनो नई बस्ती से मैं, सर्दी सर्दी मैटर नहीं करती, अगर यही ये सबसे अगर इनको शूज मिल गए, हर चीज़ इनको मिल गई, वर्दी मिल गई, फिर सर्दी इनकी ख़त्म हो गई नहीं, उससे ज़्यादा तो हमारी सर्दी ख़त्म हो गई। अब ऐसे हमें लग रहा है कि सर्दी नहीं है, और इसके बाद ये जहाँ भी होगा ना, टीम सहारा बनो नई बस्ती 24 घंटे जिस वक्त मर्जी आप कॉल करो हम रेडी हैं, जितना सामान बोलोगे हम देने के लिए तैयार हैं। टीम सहारा बनो, और उसके साथ साथ जिस शख्स से मैंने बात की थी आपको याद होगा, जिसने मुझे भी मजबूर कर दिया, दीक्षा की कहानी जिसने सुनाई थी, वो इनके भाई साहब हैं जिन्होंने दीक्षा की कहानी मुझे सुनाई थी। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम संजीव। संजीव साहब, इन बच्चों को ज़रूरत थी? बहुत बहुत जरूरत थी सर इनको, बच्चों को, इन बच्चों ने जो अभी पिछले जो सर्दियाँ निकाली हैं बच्चों ने, बहुत मुश्किल से निकाली हैं, इनको इतनी ज़रूरत थी कि बड़ी मुश्किल से बेचारे स्कूल आते थे, ना शूज़ थे, ना स्वेटर थे, ना ग्लव्स, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो बिना मतलब शूज़ के आते थे, कुछ तो बच्चे चप्पल पहन के आते थे। कुछ राहत मिलेगी इनको इससे? बहुत, आपकी मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सभी ने जो यहाँ पे इन बच्चों को सहारा दिया है, इनकी मतलब सर्दी में आप एक जैसे बोलते हैं कि डुबके को तिनके का सहारा, आपने यहाँ पे आके हमारे ये वो बच्चे हैं जो गरीब तबका है, इन बच्चों की आपने जो सहायता की है, मैं आपका तहे दिल से मतलब मैं आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकता हूँ। पहुँच गया आपका, कि पहुँच गया, पहुँच जी गया आपका, पहुँच बहुत गया। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया नीरज साहब आपका भी, इनके जो भाई साहब हैं, इन बच्चों के चेहरों को एक बार ज़रूर देख लेना साहब, शायद इनको ये आज सुकून होगा कि सर्दी को इन्होंने आज हरा दिया। लेकिन ये आंकड़ा यहाँ तक नहीं है, ये आंकड़ा और बहुत बड़ा है। कार्तिक साहब, हमारी हर कहानी का हिस्सा कार्तिक साहब भी हमारे साथ हैं, इस बार हमने कार्तिक साहब को ज़्यादा बर्डन नहीं डाला इस पर, क्योंकि हाल ही में इनकी शादी हुई है तो वो ठीक भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो पॉसिबल योगदान इनकी तरफ से था वो हमें रहा। कार्तिक साहब क्या कहेंगे कुछ, क्योंकि स्टोरी हमारे चलती है लेकिन कॉल्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल भाई जी, आपकी कहानी चलने के बाद बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी में इतने इंटरेस्टेड थे कि कई लोगों ने तो बोला कि पूरा पूरा सब कुछ ले लेंगे। कुछ लोगों का नाम मैं बड़ी ज़रूर उनका लेना चाहूँगा, सबसे पहले के शर्मा साहब हैं, इन्होंने 50 स्वेटर्स के लिए बोला था, PCM करके शॉप है सिटी में, वहाँ 25 स्वेटर्स की इन्होंने पेमेंट कर दी थी, साइज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो और भी शॉप्स पे हमें अवेलेबल नहीं हो रहे थे, तो अभी भी इनके पास 25 स्वेटर की पेमेंट पेंडिंग है। जो बच्चे जिनके साइज़ आज नहीं हमारे पास अवेलेबल हैं उसके पैसे जिस वक्त हम बोलेंगे ये दे देंगे। ये के शर्मा साहब कटरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। फिर वरुण अरोरा जी हैं, ये कनक मंडी से हैं, इन्होंने करीब 30 ब्लू स्वेटर जो है वो एक स्पॉट हमने डिसाइड किया था वहाँ इन्होंने छोड़े थे। अनीत गुप्ता जी हैं, अनीत गुप्ता जी शायद मैं इनका नाम गलत ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, 15 स्वेटर्स इन्होंने दिया।
फिर पाजी कुछ लोगों के पास नंबर ऑलरेडी है मेरा, तो वो गूगल पे वगैरह कर देते हैं। उस गूगल पे की वजह से जो शूज़ के साइज़, जो हमारे पास शूज़ की कमी थी और स्वेटर की कमी थी, ग्लव्स की कमी थी या जो भी बाकी चीज़ों की कमी थी, वो हमने इनके माध्यम से पूरी की है। जिनमें नरेंद्र शर्मा जी 3,000 रुपये उन्होंने दिया है, एक व्यक्ति है इनका नाम मैं भूल गया हूँ, 2,000 रुपये की सेवा इन्होंने दी थी, 1,000 रुपये की सेवा भगत जी हैं टिकरी से उन्होंने दी थी, और श्री साकेत ग्रुप विदुषी गुप्ता मैम, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, 5,000 रुपये की सेवा उन्होंने की थी। ये सारा जो मिला के जितनी भी आज ड्राइव है उनको सक्सेसफुल बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और अभी भी कुछ पेमेंट हमारे पास पेंडिंग है, कुछ 2-3 हज़ार रुपये, वो कोशिश करेंगे कि और जो बच्चे यहाँ बच गए हैं, जो आज एबसेंट हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली काफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एनजीओ फॉर ह्यूमैनिटी अतुल साहब, इन लोगों से जब मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है कि भगवान इसी की तरह दिखते होंगे, ऐसे ही होंगे, उनकी शक्ल सूरत ऐसी ही होगी, क्योंकि ये सोच लोगों के लिए रखते हैं। मुझे आज भी याद है अतुल साहब ने मुझसे कहा था कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, हम सब मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वही बहुत से लोगों को नाराज़ कर दिया मैंने। अतुल साहब, खुशी मिली इन बच्चों से मिलकर? बहुत बहुत सर, बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी इन बच्चों को। और ये कि जो यहाँ पे खुशी मिल रही है ना, बस मैं कुछ नहीं बोल नहीं पाऊंगा, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। बस बस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कम बोलने वाले दिल बहुत बड़े होते हैं, उनके बहुत कुछ कह जाते हैं। अतुल साहब शायद उसी में से एक है। अतुल साहब के पिता भी यहाँ पे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पुष्कर कुमार वर्मा। आप देखिए, इस परिवार को देखिए, पिता पुत्र एक साथ आए हैं। कुछ डिफरेंसेस होते हैं हर परिवार में, लेकिन एक साथ, ये एक ये माइंड सेट है कि किसी की मदद करनी है तो पूरा परिवार एक साथ है। क्या कहेंगे साहब? सर, मैं तो शुरू से बच्चे को यही सिखाता हूँ को उसी आदमी को दो जो ज़रूरतमंद है। ये ज़रूरतमंद थे? बिल्कुल, ये तो हमारा आगे का भविष्य यही है। भगवान दिखता है इसमें? बिल्कुल दिखता है सर, बिल्कुल दिखता है सर, क्योंकि कल इन्हीं में से कोई बच्चा बड़ा होके प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, कुछ हमारे देश की सेवा के लिए सेवा करेंगे, ये इन्हीं में भविष्य है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। कुछ लोग श्रीनगर से भी आए हैं मेरे साथ हैं, मैं नाम नहीं जानता इन साहब का, लेकिन जो अच्छाई होती है उसकी कोई शक्ल नहीं होती, कोई नाम नहीं होता। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सूरज रैना है, Myself, सूरज रैना। सूरज साहब, आज स्पॉट पे आए हमारे साथ, आप पहले हमें वॉच करते होंगे, पहली बार हमारे साथ आए। जी 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 जी, क्या कहेंगे? आई थिंक दिस इज आवर प्राइम ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी टू हेल्प दीज पुअर पीपल्स चिल्ड्रंस। आई माई सेल्फ आई एम अ टीचर इन द वैली, आई ऑल्सो टॉट दीज पुअर चिल्ड्रंस, तो सो आई थॉट दिस इज आई एम प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी to help these kids so that they can grow. Satisfaction? I am very much satisfied, being I am also a donor. Okay. So that is the reason. I think we will always feel proud to help these children. Thank you Baji, thank you very much. Ek baar zarur in bachchon ko dekh lijiyega dhyan se. Bas yahi karna hai hame. Hame bas yahi karna hai. Madam hai ek hamare saath. पहली बार इनसे मुलाकात हुई, पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे साथ पहली बार ये आज आए हैं यहाँ पे। मैम, क्या नाम है आपका? अपने बारे में पहले बताएं। मेरा नाम ईशा है, ईशा सिंह, और मैं प्रॉलिमबर्ग स्कूल से आई हूँ। मैंने आपकी न्यूज़ जब देखी उस टाइम मैं शाम को घर पे ही थी, जब आपने बताया कि बच्चों को स्वेटर्स चाहिए, तो मैंने अपने जो चेयरमैन सर हैं मिस्टर राहुल शर्मा जी, उनसे बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल, जो भी हम कर सकते हैं हम इन बच्चों के लिए ज़रूर करेंगे। आपको लगता है कि जो रिपोर्ट मैंने दिखाई थी और जो आप स्पॉट में आकर देख रहे हो, कुछ डिफरेंस है या वाकई जो मैंने बताया था वो सही था? नहीं सर, वाकई में इन बच्चों को बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपने मुझे कार्ती जी का रेफरेंस दिया था, उन्होंने मुझे बताया था कि इन बच्चों को शूज़ की ज़रूरत है, तो फिर मैं देख रही हूँ इनके पास वाकई में शूज़ नहीं है, स्वेटर्स नहीं हैं, और वाकई में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है इन बच्चों की। आई रियली अप्रिशिएट आपकी एफर्ट्स की वजह से, मुझे लग रहा है सब बच्चों के चेहरे पे ना मुस्कान है। बस इसी चीज़ से मैं नहीं अपना क्रेडिट लेता हूँ, मेरी वजह से नहीं, मैंने सिर्फ रिपोर्ट किया, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसकी वजह से। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, देखिए हम विलिंग हैं, हमारे जैसे हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे तक्षशिला एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से हम चाहते हैं डोनेट करें। आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आपने बताया कि हाँ इन बच्चों को ज़रूरत है, ऐसे हम इतने सारे बच्चों से एक साथ नहीं मिल पाते,
तो ये बहुत अच्छा लगा। मुझे भी यहाँ आके बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जो हमने एक सोचा था कि इनके लिए करेंगे और बिल्कुल फ्रूटफुल हुआ है। सब बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया और चीज़ों को लिया और कोई किसी ने कोई मिसबिहेव नहीं किया। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि ये सब हम लोग कर पाए हैं आप लोगों की हेल्प से, और फ्यूचर में भी हम आपके ऐसे ही हेल्प करते हैं। आपका नाम क्या है मैम? ईशा, ईशा सिंह। हम किसी के घर जाते हैं तो एक वो एक चीज़ रहती है, एक तरीका रहता है, कुछ साथ लेके जाना है। हमने सिर्फ इनकी ज़रूरत लाई, लेकिन मैडम ने इनके लिए स्वेटर, इनके लिए बिस्किट्स, चॉकलेट ज़रूरी समझा कि छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ये हमारे माइंड में नहीं था, लेकिन मैडम ने इसका भी ध्यान रखा, इन सब बच्चों के लिए वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। धीरज साहब हमारे साथ हैं, हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। धीरज साहब अच्छा लग रहा है बच्चों ने? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं कहता हूँ कि आदमी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ना जाकर इन गरीब बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, यही हमारे लिए मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारा है। और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रकार की इन स्टोरीज में या इन सच्ची घटनाओं में जो मैं आता हूँ, शामिल होता हूँ, आप मेरे को शामिल करते हो, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे बहुत ज़रूरत है साहब उन सब आंकड़ों की, उन सब नंबर्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेरे साथ आकर खड़ा हो सकें, मेरे विश्वास में उसको पुख्ता कर सकें। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है सर? रमेश लाल सर। रमेश लाल जी, वक्त निकाला, आज दूर था लेकिन आप आए। सर बहुत मज़ा आया, इधर काम तो करते रहते हैं, सही जो काम यही है, यही बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं जो रिपोर्ट करता हूँ उसमें जो बताता हूँ वो सच बताता हूँ? बिल्कुल सच, रियल, बिल्कुल सर सच, बिल्कुल, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ, बिल्कुल सुकून है आज? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज कम से कम 100 बच्चों को आज के बाद ठंड नहीं लगेगी? नहीं सर नहीं, बहुत बहुत किया हमने, शुक्रिया साहब। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हम 100 के पास पहुँच सके, लेकिन ये ड्राइव यहाँ थमेगी नहीं और आगे जाएंगे। यहाँ तक पॉसिबल हो सका वहाँ तक हम जाएंगे और उन सब बच्चों तक पहुँचेंगे। बस साहब आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ। क्या नाम है? सचिन नाम है आपका? सचिन साहब, देव साहब के साथ ही चलते हैं। कल भी ये देव साहब के साथ सारा दिन रहे, जब ये कलेक्शन ये हर आरसपुरा में, मीरा साहब में, नगरोटा में, पता नहीं कहां कहां से इन्होंने ये स्वेटर, ये शूज़ उठाए हैं। क्या कहेंगे, कल सारा दिन बर्बाद हो गया? नहीं सर, बहुत मज़ा आया आज देख के, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे दो दिन भी हमें करने पर बर्बाद तो कोई चक्कर नहीं है सर। नसीब वालों को मिलते हैं ये दिन बर्बाद करने। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बड़े किस्मत वाले होते हैं। बहुत किस्मत वाले होते सर, बहुत खुशी मिली सर आज ये करके। भाई यही रिपोर्ट थी साहब, ये काफिला थमना नहीं चाहिए, सर्दी अभी है, हम और कोशिश कर रहे हैं कि और बच्चों तक पहुंचें, और बच्चों तक पहुंचें, जितनों की सर्दी हम दूर कर सकें वो कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उस सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका साथ चाहिए। आप साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैंने पहले कहा कि आटे में हम नमक डाल रहे हैं, शुरुआत तो कर रहे हैं। जब भी किसी की मदद करने का मन हो, मुझे लगता है कि इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपके बिना हम कुछ नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।